हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से जो है हमारे इस चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। वैसे दोस्तों, सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुंच जाऊंगा कि मेरे चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर कभी पूरे भी होंगे। लेकिन गाइस, आप सभी लोगों के ढेर सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक भी आ गया। तो गाइस, आप सभी का वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस। और गाइस, आप सभी लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। एंड गाइस, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों का मैं इसी तरीके से एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू। और अब दोस्तों, आ जाते हैं अपनी इस वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर फिर से बात करने वाला हूं इस दुनिया की सबसे पागल एंड यूट्यूबर्स पर झूठे आरोप लगाने वाली पायल जोन, नहीं सॉरी पागल जोन के बारे में। तो दोस्तों, इस पागल जोन की ना एक बहुत बुरी आदत है जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं मतलब यार, पहले तो ये पागल जोन अपनी वीडियो के अंदर जान पूछ कर बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर झूठे आरोप लगाती है, उन्हीं यूट्यूबर्स के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है और अपनी अगली वीडियो के अंदर उन्हीं यूट्यूबर्स से फिर माफी भी मांग लेती है। तो पागल जोन, तो ऐसी फालतू बन की झूठी मनचाही गलती करती क्यों है कि तेरे को बाद में उस गलती के लिए माफी मांगनी पड़े? इससे अच्छा तो तू वो गलती कर ही मत। बात तो सही है। और मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा बकवास कर दिया। आई नो कि आप सभी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग ये देखो, वीडियो शूट हो चुकी है, काफी मजा आया। इतना मजा, मतलब मुझे नहीं लगा था कि सौरभ और पीयूष के साथ ऐसी वीडियो बनाना इतना इजी होगा। मजाक से हटके तो बताओ ना, कितना मजा आया। कहूंगी कि पीरू तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अरे तो पागल जोन, तेरे को पीरू ने कुछ बोला ही कहा जो तूने चुप करने के लिए बोल रही है? तो गाइस, देख रहे हो आप सभी इस पागल जोन को? नहीं मतलब यार, पागल जोन ने अपनी वीडियो के अंदर ये जो सौरव जोशी, पीयूष जोशी एंड ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो दिखाई है उसके अंदर पीरू भी शामिल है, लेकिन पीरू ने तो इस पागल जोन को कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पागल जोन पीरू के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। क्योंकि तुम्हारी तो खुद की कोई पहचान ही नहीं है यार यूट्यूब के ऊपर। तुम्हें लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि तुम सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड हो। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तो पागल जन, तुझे बताया किसने कि पीरू जो है सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड है? और चल मान भी लेते हैं कि उनके बीच में कुछ भी हो, लेकिन ये सब बातें तू हमें क्यों बता रही है? और वैसे पागल जन, तू होती कौन है दूसरे इंसान की उसकी पहचान बताने वाली? और सही बताऊं तो पागल जन, तू दूसरे की छोड़ अपनी सोच की। आखिरकार तूने पूरी दुनिया के सामने अपनी किस तरीके की पहचान बना रखी है? चकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोभड़ी है। कल को तुम्हारी सौरभ जोशी से शादी हो जाएगी तो तुम्हें इसलिए जाना जाएगा कि तुम सौरभ जोशी की वाइफ हो, अदरवाइज तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मैं जैसी भी वीडियो बनाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की कोई पहचान है। अच्छा, अरे हाँ पागल जन, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही कि तेरी जो है एक अलग ही खुद की पहचान है, लेकिन सबसे ज्यादा गाली खाने में। गाइस सही बता रहा हूँ, अगर कोई तुमसे ये पूछे ना कि यूट्यूब पर ऐसा कौन सा इंसान है जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है, तो गाइस आप सभी लोग बेझिझक इस पागल जन का नाम ले सकते हो, क्योंकि गाइस पागल जन एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में कोई भी इंसान अच्छा बोल ही नहीं सकता, सभी लोग इसको गाली देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आपको मेरी बातों पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आप सभी लोग पागल जन की वीडियो के कमेंट्स को चेक कर लो। मुझे लोग जानते हैं क्योंकि मैं पायल जोन हूँ, मेरी मैं पीरू नहीं हूँ, मेरी तुम्हारी तरह कोई ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की वजह से मैं फेमस हो रही हूँ। तो दोस्तों सुना आप सभी ने इस पागल जोन को, मतलब यार इस पागल जोन ने अपने चैनल पर आधे से ज्यादा वीडियो तो सौरभ जोशी के ऊपर बना रखी है, लेकिन फिर भी ये पागल जोन बोलती है कि मेरी किसी दूसरे यूट्यूबर की वजह से कोई पहचान नहीं है, मेरी खुद की पहचान है। अरे तो पागल जोन, चल हमने मान लिया कि तेरी कुछ भी पहचान है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार दुनिया के सामने तेरी क्या इमेज है, लेकिन पागल जोन तू मुझे एक बात बता कि आखिरकार तू अपनी वीडियो के अंदर पीरू को ये सब क्यों बोल रही है? क्योंकि पीरू ने तो तेरे को अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर उसके पीछे तू क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है? अरे शर्म करो। और वैसे दोस्तों आप सभी को बता दो कि मैं कुछ ही देर पहले जो है पागल जोन के इंस्टाग्राम को चेक कर रहा था, तो वहाँ पे दोस्तों इस पागल जोन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये स्टोरी लगाई हुई थी। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, पागल जोन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लिखा हुआ है कि सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान को मैंने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला, बट मुझे पीरू के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज उसने मुझे कुछ नहीं कहा। एंड यहाँ आगे लिखा हुआ है, सॉरी प्रिया धापा, आई लाइक यू, कीप ग्रोइंग सिस्टर। वाह क्या सीन है। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी इस पागल जन को, मतलब यार पहले तो ये पागल जन अपनी वीडियो के अंदर जान पूछ कर खुद गलती करती है, और इसके मन में जो भी कुछ आता है वो दूसरे इंसान को ये बोल देती है, एंड बाद में इसको सॉरी भी बोल देती है। साले मजाक बना के रखते हो। अरे तो पागल जन, तू ऐसे काम करती क्यों है कि तेरे को उस काम के लिए बाद में सॉरी बोलना पड़े? और गाइस आप सभी को बता दूं कि ये सब पागल जोन ने कोई पहली बार नहीं किया, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रिगर्ड इंसान जो है पागल जोन के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके बाद से दोस्तों पागल जोन ने ट्रिगर्ड इंसान सौरभ जोशी के ऊपर बिना फालतू की कई सारी बकवास वीडियो बना दी है। और अब दोस्तों कमाल की बात तो ये कि पागल जोन ने अपने चैनल पर एक और वीडियो बनाई है जिसके अंदर ये पागल जोन उन सभी यूट्यूबर्स को सॉरी बोल रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैंने सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर वीडियो बना दी। मैं ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी दोनों को ही सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्यारी समझ गई।
अरे तो पागल जन सॉरी सॉरी बोल बोल के ये फालतू बनकर ड्रामा करना और लोगों का टाइम वेस्ट करना बंद कर, क्योंकि पागल जन गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। पागल जन कब तक तो इस तरीके से फालतू बन के बकवास वीडियो बनाकर लोगों का पागल बनाती रहेगी? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ इंसान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अपनी छोटी बहन समझ के। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी इस पागल जन को, मतलब यार अब इस पागल जन को माफी मांगनी पड़ रही है, तो ट्रिगर्ड इंसान से एक नया रिश्ता जोड़ रही है, बहन बोल रही है अपने आप को ट्रिगर्ड इंसान की। अरे तो पागल जन मैं तो तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि जब तूने अपनी वीडियो के अंदर ट्रिगर्ड इंसान को जिंदा जान से मारा था, उस समय कहां गई थी ट्रिगर्ड इंसान की ये वाली छोटी बहन? तो दोस्तों सही बता रहा हूँ, पागल जन की ऐसी बिना फालतू की हरकतें देखकर ना मैं पागल जन को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पागल जन तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सौरभ जी आप भी अपनी दोस्त समझ के, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उनके सभी फैंस से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज गाइस आई एम रियली सॉरी। अब रो क्यों रही है? अरे तो पागल जी ने रोने धोने से और गिड़गिड़ाने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि आखिरकार तू कैसी है। और गाइस मुझे आप ही बताओ कि आप सभी लोग इस पागल जी को माफ करोगे? नहीं। दोस्तों अपनी आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ दो यूट्यूबर्स को सॉरी बोलने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन दो क्रिएटर्स की बात कर रही हूँ, उनके नाम लेना चाहूंगी। पहले का नाम है सौरभ जोशी ब्लॉग्स और दूसरे का नाम है ट्रिगर्ड इंसान। अरे तो पागल जन तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने उन यूट्यूबर का नाम ले लिया। वैसे सही बताऊं तो अगर तू उन यूट्यूबर का नाम नहीं भी लेती ना, हमें तब भी पता चल जाता, क्योंकि आजकल तेरे चैनल पर ना सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी छाए हुए। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पागल जन के चैनल पर पागल जन से ज्यादा ट्रिगर्ड इंसान पीयूष जोशी और सौरभ जोशी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों यूट्यूबर्स को गाइस मैं सॉरी बोलने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए आई हूं, क्योंकि कल मैंने इनके अगेंस्ट में दो वीडियोस बनाई थी और वो दो वीडियोस बनाना शायद बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी मैंने, वो दो वीडियोस बना के, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, सबसे भारी मिस्टेक मैंने कर दी वो वीडियो बना के। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी, मतलब यार एक गलती दूसरी गलती के बारे में बात कर रही है। सही बताऊं तो पागल जोन का इस दुनिया में आना ही सबसे बड़ी गलती है। और पागल जन तूने क्या कहा कि उन दो वीडियो को बनाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है? तो पागल जन अब तक कौन सा तो सोई हुई थी या फिर तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? क्योंकि पागल जन उन दो वीडियो के अलावा भी तूने अपने चैनल पर बहुत सारी बकवास वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो उन वीडियो के लिए माफी कौन मांगेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जितने भी फैंस हैं सौरभ जोशी के और ट्रिगर्ड इंसान के, वो सारे के सारे फैंस मेरे पास आ गए, जगह जगह पे पहुंच गए, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, मेरे को मेल करने लग गए, मेल में मुझे धमकियां देने लग गए कि भाई रेप थ्रेट देने लग गए, डेथ थ्रेट देने लग गए। इसके अलावा मेरे को जब मैंने अपना मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया इंस्टाग्राम पे, तो मुझे पता चला कि एक दिन में काफी सारे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास। अरे तो पागल जन तेरी ये बात सुनकर ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब पागल जन तू ऐसे फालतू बन के बकवास वीडियो बनाती क्यों है कि लोग तेरे को इस तरीके से कुछ बोले? लेकिन दोस्तों देख रहे हो आप सभी इस पागल जन को, मतलब यार इस पागल जन के पास इतनी सारी धमकियां आ रही है, इतने सारे उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पागल जन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी ये पागल जन जब देखो कैमरे के सामने अपनी बड़ी सी थूथड़ी लेके बैठ जाती है और किसी भी यूट्यूबर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मुझे पता चल गया ये मैसेजेस और ये ईमेल्स पढ़ के कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि यार मेरी ही गलती है ना, तभी तो मुझे ये थ्रेड्स और मुझे इस तरीके की गालियां पड़ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो यही है कि ना मैं लड़की हूँ, तो मैं अपने ओपिनियन नहीं रख सकती, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, तो आप अपने ओपिनियन रख सकते हो आप, बट मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये सोसाइटी मुझे अलाउ नहीं करती है, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ ना। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अरे तो पागल जन ये तू अपने आप को बार बार लड़की लड़की बोलकर ना लोगों की सिंपैथी गेन करना बंद कर, क्योंकि सभी को पता है कि तू लड़की है। लेकिन पागल जन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू एक लड़की और किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती चली जाएगी। और रही बात पागल जन ओपिनियन की, तो पागल जन तू भी ओपिनियन रख सकती है और हम भी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन पागल जन ये कौन सी अच्छी बात हुई कि किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर दो? और हां पागलों की पागल जन एक बात और सुन ले, तेरे पास जो लोगों की धमकी आ रही है, गाली आ रही है, तेरे पास बिना फालतू के मैसेज आ रहे हैं ना, तो उनसे की जिम्मेदार तो खुद है। क्योंकि पागल जन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि तू एक लड़की इसलिए लोग तेरे को इतना उल्टा सीधा बोल रहे, बल्कि जो तू अपनी वीडियो के अंदर ये बिना फालतू का हक्के जाती है ना दूसरे बड़े यूट्यूबर्स के बारे में, उन सबका नतीजा मिल रहा है तेरे को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पागल जन मैं तो फिर भी तेरे से यही बात कहना चाहूंगा कि तू ऐसी हरकतें करती क्यों है कि लोग तेरे को सामने से गालियां दे फिर धमकियां दे। बर्तन धो क्या वीडियो बना रही हो, क्योंकि लड़कियों का यही काम होता है ना बर्तन धोना और खाना बनाना, और क्या कर सकते हैं हम, हमारे घर वाले हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे तो पागल जन वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तू थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है, लेकिन पागल जन जब तेरे घर वाले तुझे पढ़ा रहे तो फिर तू पढ़ने लिखने पे ध्यान देना, यहाँ पर तू ऐसे फालतू बन की बकवास वीडियो बनाकर अपना लोगों का कीमती टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी के फैंस जितने भी है, थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे सिखाया है कि लड़कियों को अपने विचार नहीं रखने चाहिए, ये बात मैं आगे भी पहुंचाऊंगी सोसाइटी में और अपने आसपास की लड़कियों को भी बताऊंगी कि तुम्हें बर्तन धोने चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, खाना पकाना चाहिए, बजाय कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के, क्योंकि हमें कोई हक नहीं है अपने विचार रखने का।
अरे तो यार कोई समझाओ इस पागल जन को, मतलब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या आखिरकार इस पागल जन को कब अकल आएगी अगले जन्म में। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आजकल का जमाना कितना अच्छा है, मतलब यार कोई भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये पागल जन ऐसी बात बोल बोल कर ना खुद पागल जन लड़के और लड़की में अंतर कर रही है। और आप पागल जन रही बात लड़की के यूट्यूब पर वीडियो बनाने की, तो पागल जन लड़की जो चाहे वो कर सकती है, और सही बताऊं तो बहुत सारी ऐसी लड़की जो कि इस देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन पागल जन तेरे जैसी लड़की होने का मतलब ये नहीं कि जो मन करे अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा बोलते चले जाओ और दूसरे यूट्यूबर्स की बिना फालतू के अपनी वीडियो के अंदर बदनामी करना शुरू कर दो। तो चलो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो यार उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि गाइस इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था और ना ही इस वीडियो का मकसद किसी को भी हेट फैलाने का था। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, और हाँ गाइस यार ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। एंड दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ऐसे दोस्तों आप सभी लोगों का वंस अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी लोगों की वजह से ही इस चैनल पर 17,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। और अब गाइस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।